हेलो फैमिली, गुड इवनिंग। सो गाइज, ये मैं आप लोग के साथ इवनिंग का रूटीन शेयर कर रही हूँ, मतलब नाइट का। डिनर का मतलब तैयारी कर रही थी, तो मैं बनाने जा रही थी पनीर का सब्जी। एक तरफ दूध भी गर्म हो रहा है और यहाँ पे ना कढ़ाई एक्चुअली गर्म हुआ नहीं था, तो थोड़ा सा चिपक रहा था। फिर मैं उसको रहने दिए, थोड़ा सा तेज़ हो जाएगा ना फ्लेम तो अच्छे से हो जाता है। तो यहाँ पर शिमला मिर्च और पनीर का सब्जी बना रही हूँ। तो एक ही शिमला मिर्च डालूंगी क्योंकि बड़ा सा था और बस तीन चार लोग ही खाने वाले हैं, तो ज़्यादा तो सब्जी मतलब ज़्यादा इसीलिए नहीं डाल रही हूँ। यहाँ पे पनीर में थोड़ा सा नमक डालने के बाद उसको अच्छे से फ्राई भी हो जाता है और मेरी बेटी खाती है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको नमक डालकर उसको हल्का फ्राई कर दूँगी। यहाँ पर मसाला ऑलरेडी पीसा हुआ रहता है मेरे यहाँ फ्रिज में, मैं एक साथ में पीस लेती हूँ मतलब एक दिन के लिए। तो गोलकी, जीरा, लहसुन वगैरह सब पीसा हुआ था, बस प्याज। और मेरा स्टमक में ना बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह हो रहा है, तो देखिए मैं ऊपर से ही कर रही हूँ। बोलते हैं इचिंग वगैरह नहीं करना चाहिए, यहाँ पर मेरी बेटी आई है खेल कर, देख सकते कितना भीगी हुई है। शाम को जो क्योंकि बच्चे शाम को ही यहाँ पर थोड़ा बहुत खेलते हैं, सुबह में तो सब स्कूल जाते हैं, ये तो स्कूल नहीं जाती, तो इसलिए एकदम थक कर आई थी। तो इसको यहाँ पर दे रही हूँ मैं पनीर खाने के लिए कि थोड़ा सा खाएगी, क्योंकि सब्जी उतना खाती नहीं है। यहाँ पर प्याज को दो मीडियम साइज के लिए थे, उसको ब्राउन करूँगी। पनीर का सब्ज़ी मैं अलग अलग तरीके से भी बनाती हूँ, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं बनाई थी क्योंकि मुझे बिल्कुल कुछ अभी करने का इच्छा ही नहीं करता है तामझाम। जितना मतलब जितना सिंपल हो सके उतना कर सकती हूँ। तो यहाँ पर एक टमाटो भी काट ली हूँ साथ में ही, बस मसाला ऑलरेडी पिसा हुआ था उसमें, बस धनिया पाउडर मिक्स की हूँ और इसको अच्छे से फ्राई करूँगी बस। और यहाँ पर देख सकते हैं तेल छोड़ने लगा है, जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा उसके बाद मैं इसमें जो शिमला मिर्च और टमाटो इसको भी डालकर ढक कर इसको अच्छे से मीडियम फ्लेम पर फ्राई करती हूँ कि जब तक शिमला मिर्च हल्का सा गल ना जाए। इधर मैं मलाई डाली थी एक्चुअली, दूध का भी जितना था मलाई ना मतलब ताज़ा मलाई ही डाल दी। ऐसे तो फ्रिज में मेरा रखा रहता है लेकिन ताज़ा मलाई था, अच्छा मोटा सा था एक कटोरी, वो डाल दी हूँ। वो पता नहीं क्लिप मेरे से सूट ही नहीं हुआ। और मलाई डालने से क्या होता है ना, थोड़ा सा तेल भी छोड़ता है और मुझे टेस्ट उसका बहुत पसंद आता है, मतलब क्रीमी क्रीमी सा। तो आप डाल भी सकते हैं, नहीं तो थोड़ा सा आपके पास अगर गाढ़ा दूध है वो भी डालिए। मैं यहाँ पर मलाई डाली हूँ, फिर उसके बाद थोड़ा सा तेल छोड़ने लगा था, बिल्कुल धीमा गैस कर दी थी क्योंकि फटने का डर रहता है। यहाँ पर पनीर डालकर बस इसको ढक दूँगी। यहाँ पे साथ ही साथ में ना मैं आटा भी गूँथ के रख दे रही हूँ, अभी तो जस्ट बनाऊँगी नहीं क्योंकि थोड़ा सा मैं रेस्ट कर कर के बनाती हूँ, क्योंकि जब तक सब्ज़ी बन रहा है तो मैं थोड़ा आराम करूँगी 10 मिनट, क्योंकि थक जाती हूँ खड़ा रहने पर। यहाँ पर मैं बेटी से ही हेल्प करवाती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि ज़्यादा झुकना वगैरह रहता है ना, तो लाकर दे देती है। यहाँ पे पानी दे रही है, तो मैं अभी आटा गूँथती हूँ और आटा ऑलरेडी गूँथा हुआ रहता है ना तो सॉफ्ट रोटी भी बनता है, तो इसलिए मैं गूँथ कर छोड़ दूँगी। यहाँ पे मैं अपना सब्जी को देख रही हूँ कि सब्जी बन गया है कि नहीं, क्योंकि सब्जी बन गया है। उसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी थोड़ा सा लास्ट में, उससे टेस्ट तो अच्छा आता ही है, और घर का बना हुआ गरम मसाला डालेंगे ना तो उससे थोड़ा सा और भी अच्छा फ्लेवर आता है। एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी आज 3 है संडे और मैं आपसे अभी मिल रही हूँ। गर्मी से यहाँ पे मेरा हाल देख सकते हैं कैसा हो रखा है, पूरा पसीना पसीना। अभी सब्जी बना के आई हूँ और थोड़ा रेस्ट करूँगी क्योंकि मेरा पेट दुख रहा है नीचे में। जैसे ही ज़्यादा देर खड़ा रह रही हूँ ना तो मेरा स्टमक जो नीचे वाला है ना वो दुखने लग रहा है अभी, पता नहीं क्यों। इधर 2-3 दिन से पहले भी होता था, पहले बैठने पर होता था, आप लोग बताइएगा। मेरा भी 8 मंथ चल रहा है, ऐसा होता है क्या, मतलब ज़्यादा देर खड़ा रहने से या किसी तरह से किसी अलग पोजीशन में बैठ जाती हूँ ना तो दुखने लग रहा है। अभी तो मेरा ऐसा हो रखा है ना कि मतलब सोने में भी किसी तरह से सो रही हूँ तो दुख रहा है, अगर खड़ा खड़ा ज़्यादा देर रह रही हूँ तो दुखने लग रहा है। फिर 2-3 घंटा रेस्ट करती हूँ तो ठीक हो जाता है,
मैं क्या कर सकती हूँ, देख सकते हैं 8 बज गया और मेरे 8 बजे सब खाना खा लेते हैं। और मैं थोड़ा सा लेट गई थी एक्चुअली, और मतलब बात भी करने लगी थी हस्बैंड से। और उसके बाद अभी जस्ट सब्जी चढ़ा हुआ है, रोटी बनाऊंगी। मेरा छोटा छोटा सा बेबी लगा हुआ है, फोटो देखिए। एक क्या हुआ ना, एक जो ये पिक्चर था सब्जी बन गया, देख सकते हैं। यहाँ पे जा रही हूँ सबको खाना देने। या देखिए सब्जी को ना मैं निकाल दी थी एक्चुअली, क्योंकि कढ़ाई में ना चावल फ्राई करना था, चावल बचा हुआ था सुबह का, तो देवर को फ्राई करके खाते हैं। तो देख सकते हैं कितना टेस्टी सब्जी लग रहा है, पूड़ी के साथ खाने वाला बिल्कुल। तो यहाँ पर देवर का मन पसंद वही पनीर लाए थे, उनको बहुत पसंद है पनीर मेरे हाथ का। तो वहीं पर देखिए आम का सीज़न अब जा रहा है, तो अभी तक तो हम लोग खा रहे हैं, तो आम फ्राई राइस, जीरा राइस यानी रोटी खा रहे हैं। यहाँ पर मेरी बेटी आज बहुत थक गई थी, तो बोल रही थी मम्मा मेरा पैर का तलवा है ना वो दुख रहा है। तो मैं सोची कि चलो उसको मालिश कर दे रही हूँ, मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था करने का, फिर भी सोची कि कर देती हूँ, बच्चा है। क्योंकि वहाँ पे मम्मी थी मेरी, तो कर दे रही थी, बहन भी कर दे रही थी, यहाँ पर इसको कोई नहीं हो रहा है। तो फिर मैं देखिए उसको बता रही है कि मम्मा ऐसे ही करो, तो यहाँ पर उसको मैं मालिश करती हूँ, उसके बाद दूध पीऊँगी, फिर उसको सुलाऊँगी। सो गाइज, अभी जस्ट मैं अपना काम ख़त्म करके किचन से आई हूँ, और मैं अपना सारा जो भी है किचन का क्लीनिंग वगैरह और बर्तन वगैरह धो ली, और जो भी दूध रहता है ना तो दूध को दही भी लगाती हूँ, क्योंकि सुबह में मुझे दही पसंद आता है। देखिए ना मेरा बिंदी पसीना से हमेशा इधर उधर हो जाएगा, और दूध और दही, और इधर मैं अपना दूध घी डाल के दूध लूँ गाइस, देख सकते हैं ये मेरी बेटी का दूध है हॉर्लिक्स वाला। बोलते हैं ना कि ऐसे घी डाल के प्रेगनेंसी में लास्ट थर्ड ट्राइमेस्टर में पीना चाहिए, उससे थोड़ा सा अच्छा रहता है, बड़े बुजुर्ग लोग बोलते हैं। तो मम्मी ही बोली हैं, मेरी मम्मी भी, यहाँ की मम्मी भी, इसीलिए मैं पीती हूँ। मुझे तो बिल्कुल घी वाला दूध पसंद नहीं आता है, लेकिन क्या कर सकते हैं, पीना पड़ता है। पानी मेरे देवर भर दिए हैं, क्योंकि बिना पानी का ना एकदम गर्म हवा दे रहा था, तो मैं उनको बोली तो भर दिए। लाइट वगैरह सब जगह का ऑफ कर दी हूँ, बस अब आ गई हूँ सोने। इतनी थक चुकी हूँ इस समय तक कि मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि पहले का कुछ और ही रहता है, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर तक 5-6 महीना तक। अभी ना जैसे ही खड़ा रहती हूँ तो मुझे थकावट बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी मेरी बेटी भी खेल रही थी, इसको भी देख सकते हैं, ऑयल वगैरह लगा दी हूँ, क्योंकि बच्ची है ये भी पूरा दिन खेलती है। हर संडे था तो इसका भी सब फ्रेंड लोग सब तो स्कूल जाती है, इधर के लोग बस यही नहीं जाती है ना बेटा, इसीलिए उन लोग को तो टाइम मिलता नहीं है, तो ये भी घर में ही पैक पैक रहती है। ऐसे इसको ट्यूशन लगा दी हूँ। ये क्या हुआ बेटा, ऐसे चोट लगा? यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, मैं अभी कैसे तो देखी, दिखाओ इधर, थोड़ा सा आप लोगों को ब्लॉग पसंद आता है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, आप लोग जो नहीं हो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलूंगी ऐसे ही प्यारा सा नेक्स्ट ब्लॉग में, गाइस चलते हैं फिर, ठीक है। हाँ देखिए आइस वाला बर्फ जमा है, देख सकते हैं किस में आइस जमाई है बर्फ, दिल वाला में लगा लो। तो गाइज मेरे साथ ना, मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर कर रही हूँ, मेरे साथ मेरे घर में यानी मतलब मायके ससुराल मिला के 3 लोग प्रेग्नेंट है। तो सबसे पहले मेरी ननद का प्रेगनेंसी था, मतलब चाचा जी का लड़की का, तो क्योंकि मेरी तो ननद है नहीं, तो उन्हीं लोग राखी वगैरह बांधती हैं, तो जिनका अगले साल ही शादी हुआ था फरवरी में 2022 में, तो उनको जस्ट लड़की हुआ है, कल ही हुआ एक्चुअली, मैं आप लोग से शेयर करना भूल गई, मैं बोली चलो बताती हूँ, मतलब मैं मामी बन गई हूँ, और उनको बहुत प्यारी सी बेटी हुई। बोल रही मैं क्यूट नहीं थी, ये भी क्यूट थी, बहुत प्यारी थी मेरी भी बेटी हुई थी, तो थोड़ा हेल्दी भी थी, तो 4 kg की हुई थी मेरी बेटी। उसके बाद है मेरी अपनी ही बुआ की, छोटी बुआ का, वो भी प्रेगनेंट है, उसका भी इसी में चाहे तो अगस्त 1 में ही डेट दिया है,
उसके बाद मैं हूँ, मैं सबसे लास्ट हूँ। मेरा सितंबर में लास्ट, सितंबर अगर मतलब अक्टूबर भी आ जा सकता है अगर लेट हुआ तो। तो मैं वही बोल रही हूँ, आप लोग को फोटो भेजेंगे, आप लोग देख लीजिए, बहुत क्यूट क्यूट छोटे छोटे। हाँ, मेरी बेटी को भी क्यूट क्यूट चाहिए ना। तुम बड़ा बड़ा लड़का इसको भाई चाहिए एक्चुअली गाइज, क्योंकि होती है तो उसको भाई ही चाहिए, भाई होता है तो उसको बहन चाहिए, ऐसा ही होता है। तो मेरी बेटी को भाई चाहिए, हमेशा से बोल रही है भाई चाहिए भाई चाहिए। बेटी है ना, देखिए अभी मम्मी बेटी बोली कि नहीं। हाँ तो अभी बेटा बेटी बेटा लगा लो, बेटा बेटी। मेरी बुआ मतलब मेरी ननद की वो लड़की हुई, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब थोड़ा सा बोलते हैं ना कि शौच वगैरह होता है, वो पी लिया था बच्चे, लेकिन अभी सब ठीक है।